हमारी रीढ़ की हड्डी पूरे ऊपरी शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाती है। रीढ़ से हमारे शरीर की संरचना और शरीर को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही ऊपर शरीर को सपोर्ट भी मिलता है। रीढ़ की हड्डी में गैप यानी कि रीढ़ की हड्डी की पट्टियों के बीच की दूरी की कमी एक सामान्य प्रॉब्लम है जिसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर रीढ़ की हड्डी में गैप की परेशानी होती क्यों है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। रीढ़ की हड्डी में गैप की परेशानी तब होती है जब हमारी रीढ़ हड्डी की पट्टियों के बीच की दूरी या स्पेसिंग में कम हो जाती है। इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में दबाव आने लगता है जो दर्द और कई अन्य परेशानियों का कारण भी बनते हैं। रीढ़ की हड्डी में गैप की इस स्थिति को स्पाइनल डिस्क हर्निएशन कहा जाता है। ये गंभीर समस्या है जो हमारी रीढ़ के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। रीढ़ की हड्डी में गैप के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा वजन उठाने से रीढ़ की हड्डी में जगह बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन तेजी से कम होने लगे और भारी काम करने लगे तो इससे भी उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आता है। लंबे वक्त तक गलत तरीके से बैठने और काम करने से भी रीढ़ की हड्डी में जगह बनती है। ये समस्या अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो ऑफिस में काम करते हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं। कुछ मामलों में ये समस्या आनुवांशिक भी होती है। अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या रही है तो आपको भी ये हो सकती है। गलत तरीके से खड़े होना भी आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप का एक बड़ा कारण है। इनके लक्षणों में पीठ में दर्द, पसीने का बढ़ जाना, पैरों की कमजोरी, चलने में परेशानी, सिर में चक्कर आना आदि शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।